अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ कीमा, स्टाइलिश कीमा, मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही इजी तरीके से। ये आधा किलो मैंने कीमा लिया, बिल्कुल रूखा है ये, और इसमें हम आलू भी डालेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से हमने स्टाइलिश मज़ेदार कीमा बनाना है। दो डोई मैंने ऑयल के डाल लेने हैं और इसमें मैंने एक प्याज काट के डाल दिए, ठीक है। अच्छा, प्याज को हमने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। अच्छी तरह से इसको हम करेंगे, इसके अंदर ब्राउन भून लेंगे। इसी के साथ, अगर आप न्यू हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और मुझे कीजिए सपोर्ट। ये प्याज हमारी हो गई है गोल्डन और इसमें मैंने दो बड़े टमाटर दरमियाने मतलब काट के डाल दिए हैं। चार, ये मैंने तीन चार काट के ना हरी मिर्चें भी डाल दी हैं साथ में। और इसको मैंने ना टमाटर को इसके साथ अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखिए, जब टमाटर पानी छोड़ेगा, टमाटर जब हम डालते हैं तो ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ते हैं। इसी के साथ मैं डाल दूँगी ये पिसे हुए मसाले। ये मैंने टमाटर भून लिए थे, अब कीमा डाल दिया, ठीक है। पहले हम कीमे को इसके साथ भूनेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। टमाटर ये जब भून जाएंगे अब मैं डाल दूँगी कीमा। जब भून गया तो मैं डाल दूँगी इसमें मसाले, एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च, आधी चम्मच मैं डालूंगी हल्दी का, और इसको मैं भून लूँगी ना साथ, इसके आधी चम्मच डाल दूंगी ये पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। अब ये मसाला जो है ना हमने कीमे के साथ भून लेना अच्छी तरह से। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए, इसमें ये मैंने भून लिया। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक मैंने और डाला है। ये अच्छी तरह से कीमे को हमने ना इसमें भून लेना, और यकीन करिए इतने मज़े का बनता है ना कीमा। जब मैंने बना के खाया तो मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का कीमा बन गया था हमारा। अब मेरी कोशिश होती है कि अपनी जो हमारी बेटियाँ छोटी छोटी सी जिन्हें नहीं आता खाना बनाना, वो जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख ले। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि जो कीमे का पानी है वो खुद ही इसमें हल्की आंच पे आपने रखना है, थोड़ा सा निकल आएगा। और ये देखिए जी, कीमे की लुक देखिए, ज़बरदस्त किस्म की। अदरक डालूँगी मैं इसमें काट के, लंबी लंबी बारीक अदरक मैंने डाल दी है। बस इसमें अदरक ही जाएगी, लहसुन नहीं जाएगा। और ये भी मैंने साबुत वैसे काट के डाली है। ये देखिए, मैं आपको कीमे की लुक दिखाती। वाह, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और कीमे की लुक देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। ये देखिए, इसको अच्छा मैंने ना ऐसे थोड़ा सा भून लेना है। ये देखिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये मैंने डाल दिए हैं आधा किलो आलू। आलू की कटिंग देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त मैंने की है। और ये इस तरह मैं डालूँगी तो फिर मज़ेदार आलू की मैं कौन नहीं खाएगा, सब बनाएंगे भी और खाएंगे भी। साल में मैंने दो तीन हरी मिर्चें भी डाली हैं, जब भी तो इसका नाम स्टाइलिश आलू की मैं है, मज़ेदार भी और देखने में भी ज़बरदस्त लगेगा। इसी तरह से आप भी कटिंग आलू की करके इसी तरह से डालिएगा।
आप थोड़ा सा हम इसके साथ करके ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप, ज़बरदस्त आलू कीमा हमारा हो रहा है रेडी। बस हमने आलू को अब गलने के लिए रख देंगे, बस थोड़ा सा पानी डाल के। ये ले जी, ये हमारा हो गया है भुन गया है, रेडी हो गया। तो अब हम डालेंगे पानी, ये देखिए आप, पानी डाल के थोड़ा सा इसमें मैंने डालना है ये पिसा हुआ गरम मसाला, बस यही मैंने डालना है इसमें। आपने देखा मैंने कोई फालतू इतने मसाले भी नहीं डाले, जो ज़रूरत के मसाले हैं बस वही डाले हैं। इसी में हमारी हांडी हो जाएगी रेडी, घर के मसालों में ही। मेरी कोशिश यही होती है कि जो लाइट से घर के मसाले होते हैं पड़े हुए घर में, उन्हीं से हम खाना बना लें, हांडी बनाएं अपनी। और ये मैंने डाल दिया है पानी आधी प्याली के करीब आलू गलाने के लिए बस। और जब आलू गल जाएंगे रेडी होगा फिर आलू की मैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, अब रख देंगे हम इनको आलू को गलने के लिए। ये मैंने ढक दिया, फिर दिखाती हूँ आपको लुक। चलिए जी देखती है, अब आलू कीमा हमारा हो गया रेडी। ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए लुक देखिए कितनी प्यारी है। और हम डाल देते हैं हरा धनिया, ये जी वाओ ज़बरदस्त। दिखाते हैं आपको फाइनल लुक, चले जी ये देखिए जी हमारी कीमे की फाइनल लुक देखिए। खाइए बनाइए इंजॉय कीजिए और मुझे रखिए दुआओं में याद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।